जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। अवध विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड के एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों के साथ समस्या आ रही थी, उनका नो रिकॉर्ड फॉन्ट दिखा रहा था या फिर पेपर नॉट बाइंडिंग जैसी कुछ समस्याएं आ रही थी, खासतौर पर उन बच्चों का जिन्होंने बैक पेपर दिया है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फॉर्म कम्प्लीट नहीं हो पाए हैं। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने आपकी परीक्षा फॉर्म जो आवेदन करने की लास्ट डेट 17 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी गई है, ठीक है। आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसको बढ़ा दी गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या सूचना है, क्या विश्वविद्यालय ने कहा, कब तक ये डेट बढ़ाई गई है और इससे एक और संभावनाएं लगाई जा सकती है कि एग्ज़ाम आपकी कब होगी, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आइए ज़रा इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों ये अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप ऊपर आएंगे ना तो ऊपर ही सबसे ऊपर वाले पे आपको अवध विश्वविद्यालय के बीएड से संबंधित जो न्यूज़ है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं, पहले उसको आने दीजिए। सबसे ऊपर ही था, चला गया वापस। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये फिर से क्या आ जाएगा, न्यूज़ हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये वो पेज है जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही न्यूज़ होगा कि बीएड एवं एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2023 कि इसकी बात की जा रही, इस खबर की बात की जा रही, भूतपूर्व। तो देख लेते हैं, पूरा न्यूज़ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आइए, आपके सामने ये पेज खुल के आ गया। यहाँ पे लिखा गया है, तद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है, बीएड एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, बीएड एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2022 की परीक्षा में उत्तीर्ण अन्य छात्र छात्राओं, जैसे कि जो बच्चे 2022 में पास हुए हैं वो और जो भूतपूर्व के छात्र हैं सबकी परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म परीक्षा शुल्क भराए जाने की तिथि 21/7/2023 तक विस्तृत कर दी गई है। विस्तृत की जाती है मतलब बढ़ाया जाता है। तत्संबंधित महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि छात्रों द्वारा पूरित आवेदन पत्र 22/7 तक जमा करने तथा परीक्षा आवेदक पत्रों की वेरिफिकेशन 24/7 तक करने की सुनिश्चित करें और 25 तारीख तक यूनिवर्सिटी को भेज देना है। और लास्ट में कहा गया है कि अगर कोई नाम या पिता के नाम में त्रुटि होती है तो संबंधित छात्र छात्राएं इसके जिम्मेदार होंगे। तो मुख्य खबर क्या थी आपकी, कि जो 17 जुलाई तक आखिरी फॉर्म भरने की डेट थी उसको बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी गई है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, ऑलमोस्ट 80% 85% बच्चों ने फॉर्म भर लिया है। कुछ वो बच्चे थे जो बैक पेपर की वजह से उनका ओपन नहीं हो रहा था या फिर नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा था, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नॉट बाइंडिंग दिखा रहा था, उनका अभी फॉर्म नहीं भराया गया है। तो समस्या नहीं लेना, आप इंतज़ार करिए, गलत नहीं भरी, आप इंतज़ार करिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैक पेपर वालों का। देखिए जिनका एक किसी एक विषय में फेल थे या फिर किसी एक विषय को उन्होंने छोड़ दिया था, उनका तो सेकेंड ईयर का खुल ही नहीं रहा, ये कंफर्म है कि उनका नहीं खुल रहा है, उनको भी वेट करना पड़ेगा, आज शाम तक या कल तक वो अपडेट हो जाएगी, फिर वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जिनका नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा था, अच्छा कुछ लोग फॉर्म भर रहे तो अपडेट नहीं हो पाया था, जैसे बैक पेपर के बाद जो मार्क्स बढ़े हैं वो अपडेट नहीं हो पाया था, वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी हमारे पास 21 तक का समय है तो हम 20 तक को मानेंगे, 20 तक हम क्या करेंगे अपनी परीक्षा फॉर्म को भर लेंगे। अब आइए कुछ खास बात है, कुछ एक विशेष रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से। तो दोस्तों खास बात आपसे ये बतानी है कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक पिन कमेंट में, सबसे अच्छी बात हो कि पिन कमेंट में आप जाइएगा। बहुत बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर सेकेंड ईयर की इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो जैसे आप आएंगे ना मेरे पिन कमेंट में, देखिए पिन बाई चैनल का नाम लिखा रहेगा, तो अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इशू के यूनिट वाइज आपके जो पिछले 5 साल में पूछे गए प्रश्न हैं वहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो रिपीटेड सवाल है, जैसे वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धिककालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा, इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यूनिट वाइज दोस्तों एक यूनिट कंप्लीट सिलेबस की व्याख्या की गई है इसमें यूनिट 2 की। अब इसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इसमें मैराथन में बताया गया है, मेकाले का विवरण पत्र, उसे सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों। यूनिट 4 की बात करें दोस्तों, यूनिट 4 में जो भी महत्वपूर्ण पिछले सालों में पूछे गए हैं उसका यहाँ पर दिया गया, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया। इसी तरह अगर हम सेकेंड ईयर के अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो ये देखिए सेकेंड पेपर का भी जो भी इंपॉर्टेंस वीडियो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप नीचे एक बार जरूर विजिट करिएगा और उस लिंक के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। खासतौर पे बीएड अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, आप फर्स्ट ईयर पे आप आएंगे तो देखिए फर्स्ट ईयर के मैराथन क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गए, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वन बाई वन मैं करा दूंगा। तो नो डाउट इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो पेपर आपका करा दिया जाएगा, आपके एग्जाम सही से करा दिया जाएगा, जो भी तैयारी है जो भी संभावित प्रश्न है उसको करा दिया जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, बस चैनल से जुड़े रहना है और अपने अन्य दोस्तों को जोड़िए, और भी दोस्तों को जोड़िए, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर। देखिए सेकेंड ईयर की ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, मैं जो अभी आप जो जिस वीडियो को देख रहे हैं ना उसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर उसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। कोई समस्या हो, कोई असुविधा हो, कोई बात हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
यहाँ पे इस वीडियो में बस खास बात ये थी कि आपकी परीक्षा की जो आवेदन तिथि थी, अंतिम आवेदन तिथि थी, वो जो 17 तारीख थी, 17 तारीख को बढ़ाकर 21 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि आप 21 जुलाई तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी खास बात, जिनका नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, आज शाम तक या कल तक अपडेट कर दिया जाएगा, वो भी एग्जाम फॉर्म भर लेंगे। जिनका बैक पेपर था या डायरेक्ट एडमिशन था, वो भी एग्जाम फॉर्म भर लेंगे। बिल्कुल, आप देखिए, आपका मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म भरवाना अगर किसी भी बच्चे का छूट रहा है यूनिवर्सिटी के साइड से या साइड की गलती से, तो यूनिवर्सिटी भरवा देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भर लेंगे। अब तो समय मिल गया, 21 से पहले सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप सारा फॉर्म भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी कोई असुविधा हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, या फिर जो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट्स हैं, उसको एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, अन्य साथियों को भी जोड़िएगा, चैनल से लाइक करिएगा और इसको पूरा उठा के अपने कॉलेज ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, इतना कर देंगे आप, चलिए कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे फ्रेंड्स के वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।